अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो एज इन द प्रीवियस वीडियो हमने एसिड बेस बैलेंस किस तरह मेंटेन होता है, पीएच किस तरह मेंटेन होता है ब्लड का, उसको देख रहे थे। तो हम उसकी एक्सरसाइजेस कुछ कर लेते हैं एवीजी इंटरप्रिटेशन की। मैं आपको अनकम्पनसेटेड और पार्शली कम्पनसेटेड का डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ डिफरेंट एक्सरसाइजेस से। देन हम फिर कम्पनसेटेड को देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सो इसमें सबसे पहले पीएच हमारे पास है 7.8, ये नॉर्मल रेंजेस हमें पता है। ओके, सो हमारे पास पीएच है 7.50 और हमारे पास नॉर्मल पीएच की रेंज क्या थी, दैट वाज 3.5 से लेके 4.5, 0.45 से लेके 0.35। ठीक है, सो 0.50 इज मोर देन दैट। तो जब वो ज्यादा रेंज से ज्यादा है तो वो कौन सी साइड पे जा रहा है, अल्कलोसिस। तो हमने इसको बेस साइड पे लिखा, पीएच बेस साइड पे आया है हमारे पास। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 24 और ये कम है। तो पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो वो एसिड की तरफ जाता है, और अगर कम होता है तो किस बेस की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन ऑन द बेस साइड। तो सबसे पहले तो ये कॉलम हमारे पास बढ़ गया, तो दैट मीन्स ये कुछ अल्कलोसिस की कंडीशन होगी। बाकी हम बाइकार्बोनेट को देख लेते हैं, दैट इज 19.9 और रेंज हमारे पास ये 22 से 26। अच्छा, अब 22 से कम है तो ये कम जब बाइकार्बोनेट होता है रेंज से, तो ये जा रहा है एसिडिक साइड पे। तो बाइकार्बोनेट इज ऑन द एसिडिक साइड। सो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, अगेन इट्स क्योंकि यहाँ पे तीनों कॉलम भर गए, हम उसी मेथड उसी ट्रिक से चलेंगे। इट इज अल्कलोसिस और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता तो ये अनकम्पनसेटेड होता, लेकिन अगर क्योंकि ये एसिडिक साइड पे बाइकार्बोनेट गया हुआ है, तो यानी ये इसने इस अल्कलोटिक कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए खुद ये अल्कलो एसिडोटिक साइड पे चला गया है। तो दिस इज पार्शली कॉम्पनसेटेड। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस पार्शली कॉम्पनसेटेड। अच्छा, इसमें मैं आपको तमाम एक्सरसाइजेस में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस सबकी एक्सरसाइज करवा दूंगी। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास केस है जिसमें पीएच है 7.19। अगेन पीएच इज ऑन द एसिडिक साइड। ओके, सो पीएच को हमने यहाँ पे लिख दिया। जब नॉर्मल रेंज हमें पता होगी तो वी कैन इजीली इंटरप्रेट। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, पीएच की नॉर्मल रेंज इज 7.35 से लेके 7.45। PaCO2 की है 35 से 45 और HCO3 की है 22 से 26। ये नॉर्मल रेंजेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो pH इज 7.19। सो दैट इज इससे कम है तो एसिडिक साइड। तो एसिडिक साइड पे हमने pH लिख दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 38। 38 क्या नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, इसको नॉर्मल लिखा, PaCO2 इन द नॉर्मल रेंज। बाकी बाइकार्बोनेट इज 22 से 26 होता है और यहाँ पे हमारे पास 16 है जो कि कम है, और बाइकार्बोनेट कम होता है तो ये एसिडिक साइड पे। तो HCO3 बाइकार्बोनेट हमने एसिडिक साइड पे लिखा। सो इसमें अगेन हमारे पास क्या आ रही है कंडीशन, एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस आ रही है, ये पीएच एसिडिक साइड पे, लेकिन क्योंकि ये बाइकार्बोनेट की वजह से आ रही है तो ये क्या होगी, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्योंकि जो रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिक साइड पे नहीं है, वो नॉर्मल ही है, तो यानी ये अनकॉम्पनसेटेड है। अगर वो बेस साइड पे होता तो यानी वो एसिडिक एनवायरमेंट को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो बेस साइड पे नहीं है, नॉर्मल है, तो दैट इज अनकॉम्पनसेटेड। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि पार्शियली कॉम्पनसेटेड हम कब कहेंगे और अनकॉम्पनसेटेड कब कहेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जिसमें पीएच 7.47 है, अगेन ये बेसिक साइड पर आ रहा है, तो हमने पीएच को बेसिक साइड पे लिख दिया। फिर
फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 42, और हमारे पास रेंज क्या थी? अच्छा, ये रेंज के अंदर आ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज विद इन द रेंज नॉर्मल, एंड बाइकार्बोनेट इज 32, तो 32 इज मोर देन 26, तो ये अगेन बेसिक साइड पे जाएगा, तो बाइकार्बोनेट। सो ये कंडीशन क्या हुई हमारे पास? बेसिक कंडीशन, एंड ड्यू टू बाइकार्बोनेट इट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एंड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल सो इट इज अनकॉम्पनसेटेड। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कर लिया, अब एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की देख। ओके, सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव पीएच 7.20, दैट इज अगेन एसिडिक, तो पीएच को हमने एसिडिक साइड पे लिखा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 49, और नॉर्मल रेंज से ये ज्यादा है, तो ये बेस साइड पे है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने बेस साइड पे लिख दिया, एंड बाइकार्बोनेट इज, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे गलत हो गई, 49 जो है वो ज्यादा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो वो एसिडिक साइड पे होता है। सो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम पी एसिडिक साइड पे लिखेंगे, एंड बाइकार्बोनेट इज 27, तो 27 ज्यादा है 26 से, तो ये बेस साइड पे होगा HCO3। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एंड इट्स पार्शियली कॉम्पनसेटेड बाय दिस बेसिक बाइकार्बोनेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनकॉम्पनसेटेड और पार्शली कॉम्पनसेटेड। अब एक और छोटी सी वीडियो में हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं कॉम्पनसेटेड की, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।